नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना अंतर्गत ग्राम अंगहड़ी में दो पक्षों में मारपीट में चाकू लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। बताते चले कि मोहम्मद इलियास ग्राम अंगहड़ी में रहता है, वहीं जाकिर हुसैन भी उसी गांव का निवासी है, जबकि पेशे से एक ट्रैक्टर चालक है। सुबह जाकिर अपने ट्रैक्टर को लेकर कहीं जा रहा था जिसमें भोजपुरी गाने बज रहे थे। इसको लेकर इलियास ने जाकिर को मना किया कि ऐसे गाने न बजाए। उसकी बात सुनकर जाकिर को गुस्सा आ गया और इलियास से लड़ने लगा। झगड़ा होते देख जाकिर की मदद को उनके लड़के तबारक इबारत और मुबारक पहुंच गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जाकिर ने चाकू निकालकर इलियास को मारने के लिए दौड़ा लिया। इससे पहले इलियास को समझ पाता जाकिर ने उसके पेट में चाकू मार दिया और इलियास वहीं गिर गया। जाकिर मौके से फरार हो गया। परिजन घायल इलियास को लेकर जिला अस्पताल पर पहुंचे जहां इलियास का इलाज किया जा रहा है। हाँ चाची, ये आपके बेटवा के कैसे मन लगा भाई? ये बेटवा के हमारे जान है यमुना बुलाइन अपने बेटवा बम्बई से। अच्छा। मार करा करती दूसरी दूसरी बात से हमारे बेटो बंधा दीन है। तो के मल्ली सी आपके बेटवा मुबारक मुबारक मुबारक। अच्छा, चतुर मल्ला है। लाठी से मारी न है, घूसा से मारी न है, चाकू से मारी न है। हम लोग अपने घर से जब देखे अभी गाड़ी से स्कॉर्पियो से उतरे हैं, तुरंत गए हैं मारे लागे हैं आने के नंबर पर। हमारे बेटो संडा से क्या ये कहे चाहती है पुलिस के सूचना दहलू की नहीं अभी हम यहाँ परेशान हैं हॉस्पिटल में। हम कहाँ में जा पाए हमारे आगे पीछे अभी चोराई गाँव वाले साथ ही आए तो वही। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।